जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत हल्ला बोल की खबर से। रायपुर में कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है, बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हाथ में लालटेन लेकर बिजली दफ्तर पहुंचे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों को इन्होंने लालटेन सौंपी है। प्रदर्शन में भूपेश बघेल, दीपक बैज, तमाम लोग शामिल हुए हैं। बढ़ी हुई बिजली की दरों को वापस लो, वापस लो, वापस लो, क्योंकि उस समय उतनी बिजली नहीं हुआ करती थी। बाद में आप लोग बिजली का बिल नहीं तो लेकर रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोयला छत्तीसगढ़ के बाहर राज्य को जाता है, तो है इसलिए लोग ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय या फिर छोटे शहर या बड़े शहर हो, हर जिला मुख्यालयों में हम भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी को लेकर जिस तरह से बिजली बिल में बढ़ोतरी और हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल ऑफ योजना थी उसको बंद करना और बिजली की कटौती और आंख मिचौली को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया ताकि इस सरकार की नाकामी और विफलता को जनता तक हम पहुंचा सके। और सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे, क्या कुछ अपडेट इस मामले में, कांग्रेस के हल्ला बोल के मामले में, वो ममता से हम लेंगे। ममता, क्या कुछ अपडेट? लंबे अरसे बाद कम से कम कांग्रेस में एक साथ नजर आए हैं, हल्ला बोल भी हुआ है। ममता, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो विपक्ष के तौर पर जो कांग्रेस जो है पहली बार इस तरह से सड़क पर उतरी थी और कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो इसमें शामिल हुए थे और अलग अलग जगह पे इस बार जो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था कि शहर के अलग अलग हिस्सों में पंडाल लगाए गए थे और सारे पंडालों में बड़े नेता कोशिश कर रहे थे कि वहां जाकर वो खड़े हों, यानी सब दूर से मैसेज चला जाए आम लोगों के बीच में, ये कोशिश की गई थी। और बिजली के जो दाम बढ़े हुए हैं और लगातार जो बिजली कटौती है उसके खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरी थी और राजीव गांधी चौक से लेकर बूढ़ापारा जो बिजली ऑफिस है वहां तक पैदल मार्च भी किया और लालटेन लेकर मार्च किया और वहां जाकर बिजली के अधिकारी जो हैं उनको लालटेन हाथ में जो है बड़े नेताओं ने सौंपा। कांग्रेस का कहना है कि लगातार जिस तरह से कभी ये राज्य जो है वो सरप्लस बिजली का राज्य हुआ करता था, बिजली बिल हाफ योजना का भी लाभ मिला और लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि न केवल दाम बढ़े हैं बल्कि लगातार बिजली कटौती की जाती है। बिजली कटौती की जाती है तो जब बिजली गोल होती है तो उसके बाद ये नहीं पता होता है कि बिजली कब लौटेगी और किसानों का किसानी का समय, मोटर पंप नहीं चल पा रहे हैं, बच्चों के जो एग्जाम चल रहे थे स्टूडेंट्स के वो जो है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तमाम जो उद्योग है वो एक तरह से कहें कि इस तरह से लगातार जब बिजली कटौती होती है उसका फर्क पड़ता है आम लोगों की जिंदगी में पड़ता है। तो इसको लेकर जो है वो कांग्रेस का कहना है कि सरकार को जवाब देना चाहिए और ऐसे समय में जो कोयला उत्पादक राज्य है जहां से जो है कोयला दूसरी जगहों पर जाता है वहां पर इस तरह की स्थिति होती है तो ये सोचने वाली बात है जी। जाहिर तौर पर सरप्लस बिजली की बात आए या जिस दौर में दिल्ली में मेट्रो चलाने की नौबत गड़बड़ हो गई थी तब छत्तीसगढ़ की बिजली से मेट्रो चली है, वहां पर बिजली बिल की ये स्थिति है। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे ममता, कुछ और खबरों को लेकर आगे हम ममता से बात करेंगे। एक और बड़ी विचित्र स्थिति बन गई, कांग्रेस का प्रदर्शन था और लालटेन लूटने की होड़ मच गई। तोरण द्वार पर लालटेन लगाए गए थे, राजीव गांधी चौक पर भीड़ लालटेन लूटने लगी, ये भी स्थितियां बन गई। ये देख लीजिए तस्वीरें, लालटेन लूटने की तस्वीरें, लोग लालटेन निकाल निकाल के अपने घर ले जाने लगे। कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था और ये लूटन लगे लालटेन वाली स्थिति बन गई। देखिए, जिसको जो मिला, छोटा सा कांच आ जाए, लोहे वाला हिस्सा आ जाए, कुछ आ जाए, पर कुछ लूट में से मिल जाए। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है, एक बार फिर ममता के पास हम आपको लिए चलेंगे। ममता, हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रदर्शन भी चल रहा था और लूटन लगे लालटेन जैसी स्थिति भी बन गई, बताइए ममता। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी दिलचस्प सी तस्वीर है लेकिन इस पर इसके पीछे गंभीर जो है वो मैसेज भी है। जब तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो भाषण देकर उतरे तो वहां पर प्रोटेस्ट के लिए उस तरह से लालटेन जो है लालटेन का तोरण लगाया गया था और जैसे ही वो उतरे उसके बाद में जो लोग आए थे वहां पर जो शामिल होने के लिए आए थे गरीब तबके के लोग थे, इनको कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता भी नहीं कहा जा सकता, जैसे कि भीड़ लाई जाती है किसी भी प्रोटेस्ट के लिए, ये वो लोग थे। और जैसे ही भाषण खत्म हुआ उसके बाद सब में होड़ मच गई कि किस तरह से जो है
है वो लालटेन जो है वो तोरण से बाहर निकाला जाए, लूटा जाए, तो ये अफरा थोड़ी देर के लिए जो है इस तरह की स्थिति बन गई थी। और उसके बाद हालांकि कांग्रेस के जो जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने इंटरफेयर किया, उसके बाद रुके और यहां से लालटेन लेकर बिजली ऑफिस तक जाना था। लेकिन एक चीज और है, ये गंभीर बात ये है कि आप जो पोस्टर्स में, नारों में, तस्वीरों में जो खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं, जो आप देखते हैं खुशहाली की तस्वीरें दिखाते हैं, स्थिति क्या होती है आज भी गरीब स्थिति आदमी की जो है महंगाई के दौर पे क्या स्थिति है आज देश का जो आम नागरिक है, जो बहुत गरीब तक पे जो बीपीएल में जी रहा है उसकी क्या स्थिति है कि उसके लिए लालटेन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी कोई भी चीज जिसको खरीदने में जो है उसको ये लगता है कि थोड़े भी पैसे न खर्च हो, कुछ जाए, क्योंकि संघर्ष का समय है, तो जाहिर तौर पर यह भी सोचना चाहिए कि वैसी खुशहाली जो है, जो आप कहते हैं कि गरीबी मुक्त भारत, वैसी स्थिति नहीं है। बिल्कुल, वो राज्य की बात करें चाहे बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से ही, पटवारियों की हड़ताल आज से है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये पटवारी हैं। भुइयां ऐप में लगातार गड़बड़ियों की शिकायत थी, भुइयां ऐप में गड़बड़ी का ये विरोध कर रहे हैं। तूता धरना स्थल पर पटवारियों का ये प्रदर्शन चल रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है पटवारी। भुइयां ऐप में गड़बड़ी को लेकर यह पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। पटवारियों के प्रदर्शन का सीधा असर सरकार की जो नीतियां जो नीचे जमीन तक पहुंचती हैं उसका महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो पटवारी के जरिए होता है। इसके अलावा खेती किसानी और जमीन से जुड़े जो तमाम काम हैं वो पटवारियों के जिम्मे रहते हैं। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़, इन्होंने हड़ताल कर दी है, बेनियादी हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, भुइयां ऐप में गड़बड़ी को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। तूता धरना स्थल पर ये प्रदर्शन पूरा चल रहा है अपनी अलग अलग मांगों को लेकर। एक मांग महत्वपूर्ण ये भी कि जो भुइयां ऐप है उसको सुधार किया जाए। सहयोगी युगल रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। युगल, भुइयां ऐप को लेकर, भुइयां ऐप में गड़बड़ी को लेकर ये पूरा प्रदर्शन, इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट? जी आप ललित देखिए, 32 सूत्री मांगे हैं इनकी और सबसे अहम जो मांग है, 32 में से 15 मांगे तो भुइयां ऐप को लेकर है। सबसे बड़ी बात यही है कि भुइयां ऐप पूरी तरह से अंग्रेजी में है और पटवारियों के जो दस्तावेज हैं वो हिंदी में संचालित होते हैं। जब भी वो इसमें उसको फीड करते हैं तो टंकट त्रुटि आ जाता है, नाम में गलती आ जाती है, तो उससे उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। इसके अलावा पटवारी के सारे जो अधिकार्स हैं वो अब SDM को दे दिए गए हैं, तो उनमें कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, उनके पास कोई राइट्स नहीं है और आम लोग हैं उन पर हमेशा हावी होते हैं। और इसके साथ ही साथ जो संकलन का काम है, जो छूटे हुए नाम है उनको जोड़ने का काम है, विलोपित करने का काम है, वो भी ये कर नहीं पा रहे हैं और इसे आम लोग लगातार दबाव बनाते हैं, विवाद की स्थिति आती है। और रजिस्ट्री को लेकर के एक बड़ी समस्या ये है कि दीगर राज्य के जो लोग हैं छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में आए हैं, यहाँ बसे भी हैं और जमीन की खरीदी बिक्री भी की गई है, तो जो दूसरे राज्य में आदिवासी हैं वो यहाँ पर अपने आप को आदिवासी बता करके जमीन ले रहे हैं, उसका राजस्व नुकसान भी हो रहा है। हालांकि बातें सबको पता है लेकिन बावजूद इसके सफर पटवारी कर रहा है। पूरे प्रदेश भर में 5000 से अधिक पटवारी हैं जो अब आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जी चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और इधर रायपुर में वन भैंसों को लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट ने वन विभाग को नोटिस जारी किया है, असम से लाकर वन भैंसों को बंधक बनाने का पूरा मामला है। 2020 से 23 में 6 वन भैंसों को लाया गया था, 45 दिनों में इन्हें वापस छोड़ देना था और अब तक ये वन भैंसे बंधक बने हुए हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने न सिर्फ याचिका पर सुनवाई की, जनहित याचिका, बल्कि हाईकोर्ट ने वन विभाग को नोटिस जारी कर सवाल भी पूछा है। असम से ये वन भैंसे लाए गए थे और एक तय सीमा के बाद इन्हें वापस भेजना था। निलंबित IAS रानू साहू और दीपेश टांक को राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से इन्हें जमानत मिली है। कोल लेवी मामले में ये जमानत दी गई है। ईडी ने छत्तीसगढ़ में जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था, इसी मामले में ये दोनों जेल में बंद है। कई और मामलों में भी आरोपी बनाए गए हैं।
इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक होनी है। रायपुर में 10 जुलाई को यह बैठक होगी और नगरीय निकाय चुनाव पर इस बैठक के दौरान मंथन होगा। बीजेपी के पदाधिकारियों को ये संदेश मिल गया है, 2000 से ज्यादा पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम विष्णुदेव साय और जो प्रभारी हैं नितिन नवीन, वो इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। रायपुर में होटल में युवती की लाश मिलने के मामले में बड़ा अपडेट आया है। बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए खुद कैब बुक करके ये जो युवती है ये होटल आई थी। अपने ही नाम पर इसने होटल में कमरा नंबर 416 बुक भी करवाया था। हालांकि जो युवती का मोबाइल है वो नागपुर से बरामद किया गया है। माना यह जा रहा है, थ्योरी जब तक कहती है, होटल में दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद गला घोंट कर युवती को मारा गया, फिर चाकू से उस पर हमले किए गए, गले पर हमले के निशान मिले हैं। इसके बाद जो युवक है इसने ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान दे दी। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दोनों के मोबाइल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। में दबाने के निशान मिले हैं, साथ ही चेहरे पे कई जगह चोट के निशान हैं और संघर्ष है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने मर्डर किया है। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। होटल में जो 6 तारीख की दोपहर को होटल में एक और विशाल गर्ग करके एक लड़के का भी की उपस्थिति मिली है। दोनों एक साथ आए थे और वहाँ रुके थे और ऐसा लग रहा है कि विशाल जैन ने हत्या की है और बाद में जाकर उसने उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक में कटी हुई मिली। तो दोनों के बीच पूर्व परिचय था, तो किसी न किसी कारणवश इस प्रकार से यह घटना घटित हुई है विवाद में। इसमें मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है किस कारण से हत्या की गई और इसमें और कोई अन्य तथ्य तो नहीं है, सभी तथ्यों पर विवेचना की जा रही है। और बलरामपुर में एक एटीएम की कैश वैन पलट गई है। अंबिकापुर से रामानुजगंज ये वैन जा रही थी जो कैश फीड करती है अलग अलग एटीएम बूथ पर जाकर। ये सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेदारी होती है कैश को लेकर, हर जगह एटीएम पर इसे फीड किया जाता है। रामानुजगंज की तरफ ये वैन जा रही थी तभी NH 343 सेमरा फूट के पास ये पलट गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। इधर बलौदा बाजार में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन लिया गया। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, रेत का अवैध परिवहन करते 8 ट्रैक्टर जब्त किए गए। सख्ती के बाद भी अवैध रेत परिवहन नहीं थम रहा है, खनिज विभाग ने अभी बड़ी कार्रवाई की है। इधर जांजगीर चांपा में स्कूल बस का टायर फट गया। स्कूल जाते वक्त अचानक ये टायर फटा और इसके चलते जो आवाज हुई, बस अचानक से रुक गई तो बस में बैठे बच्चों में चीख पुकार मच गई। घटना के बाद जो अभिभावक है उनमें भी भारी आक्रोश है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। बिना फिटनेस की बसें छात्रों की जान से खिलवाड़ करती, धड़ल्ले से दौड़ रही। इधर कांकेर में ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगा दिया। स्कूल भवन की मांग को लेकर बहुत हंगामा हुआ और प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। भैसा कन्हार गांव के ये ग्रामीण हैं, इन्होंने स्कूल में ताला जड़ दिया और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कई बार ये स्कूल भवन मांग चुके हैं, अलग अलग अपनी मांगे अब अधिकारियों को, नेताओं को सुना चुके हैं। जब कोई चारा नहीं निकला तो ताला लगा दिया इन्होंने। स्कूल नवीन बिल्डिंग का मांग कर रहे हैं, जब से उन्नयन हुआ है तब से इसकी बिल्डिंग नहीं बनी है और हमने शासन स्तर पर इसका प्रपोजल बना के भेज दिया है। जैसे ही प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति मिलेगी तो टेंडर की प्रक्रिया होगा, उसके बाद भवन हम बनना शुरू हो जाएगा। विकासखंड से 4 ऐसे स्कूल हैं जिनकी भवन नहीं है। और जशपुर में एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। 12वीं का ये छात्र है, एक निर्माणाधीन मकान के बाहर इसने खुदकुशी की है। अब तक जो शुरुआती जानकारी है, प्राइमा फेसी जो नजर आता है प्रथम दृष्टया, प्रेम प्रसंग मोहब्बत का मामला इसके सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस हर एंगल से पड़ताल कर रही है। इधर दुर्ग में फिर चला है बुलडोजर, अवैध दुकानों को बुलडोजर चलाकर हटाया गया है।
जोगी गुफा गांव में बुलडोजर ने कार्रवाई की है। जल संसाधन विभाग की जमीन पर दुकानें बना ली गई थी। बिना अनुमति के सरपंच ने इनका निर्माण कार्य करवा दिया था। आखिरकार इन दुकानों को हटा दिया गया। खबर जशपुर से, जहां डुमरिया के छात्रावास अधीक्षक को कलेक्टर ने हटा दिया है। शराब के नशे में छात्रावास के बच्चों से मारपीट का यह पूरा मामला है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और उसका असर यह हुआ कि छात्रावास अधीक्षक नरसिंह को सस्पेंड कर दिया गया। मारपीट से नाराज बच्चों ने आधी रात को हॉस्टल छोड़ दिया था और अपने अपने घर पहुंच गए थे। इस बात की शिकायत कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल तक भी पहुंची और फिर छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल का जो वार्डन है नरसिंह, उसे सस्पेंड कर दिया गया। धमतरी के देवश्री टॉकीज से मारपीट और चाकूबाजी की घटना सामने आई है। टॉकीज में फिल्म देखने आए दो युवकों पर बदमाशों ने डंडे से हमला कर दिया। दोनों घायल हो गए, इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए इसे रायपुर रेफर किया गया है। ये दोनों घायल युवक संबलपुर और बोडरा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज नहीं की है, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। धमतरी के देवश्री टाकिज के पास मारपीट की घटना की सूचना मिली थी। सूचना का तस्दीक कराया गया है। तस्दीक पर दो लड़के जो बोडरा संबलपुर के रहने वाले हैं, उनके ऊपर किसी धारदार चीज से हमला किया गया है। जो दोनों को उपचार हेतु जिला अस्पताल धमतरी एडमिट किया गया है। अभी तक पीड़ित पक्ष के द्वारा FIR दर्ज नहीं करवाया गया है और घटना में जो CCTV फुटेज के आधार पर और वीडियो के आधार पर जो संदेही है उससे पूछताछ की जा रही है। और दुर्ग में बेजुबान के साथ फिर क्रूरता का मामला सामने आया है। आरोपी ने बेजुबान कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला और शव को फंदे पर लटका दिया। दुर्ग जिले के निकुम गांव की घटना है। घटना को लेकर पशु प्रेमियों में गुस्सा है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। दुर्ग का ये पूरा घटनाक्रम है। इस चार पैर वाले बेजुबान को दो पैर वाले इंसान जैसे नजर आ रहे जानवर ने बेरहमी से मारा और फिर इसे फंदे पर लटका दिया। इस घटना को लेकर और इस जानवर, दो पैर वाले जानवर जो इंसान की तरह दिखता है, इसे लेकर पशु प्रेमियों में गुस्सा है। कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। और दुर्ग भिलाई में डेंगू की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया। शहर में पहली बार डेंगू के दो मरीजों की पुष्टि हुई है। पीड़ितों में एक युवक और एक युवती हैं। बताया जा रहा है कि दोनों मरीज बाहर से आए थे। कंफर्मेटरी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर डेंगू की पुष्टि हुई। इसके बाद दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर बिलासपुर में डायरिया का प्रकोप। रतनपुर के वार्ड नंबर 3 में डायरिया फैल गया। 50 से ज्यादा लोग बीमार हैं। 17 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें सिम्स रेफर करना पड़ा है। गंदा पानी पीने के बाद ये लोग बीमार हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20।